आपने तस्वीरें जो बनानी थी वो बना डाली। अब आप हमारी बेगम की तस्वीर के बाद कोई ऐसी तस्वीर बनाएं जो कि हमारी बेगम की तस्वीर से बेहतर हो, हम बर्दाश्त ना कर पाएंगे। आपका मतलब नहीं समझे क्या? मतलब बड़ा आसान है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम आपके दोनों हाथ काट लेंगे। आप एक कलाकार से उसके हाथ कैसे छीन सकते हैं? ये तो नवाबों का उसूल और शौक है मोहतरमा, ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे लिए जो कुछ बनाता है हम उसके हाथ काट के संदूक में रख लेते हैं। भाई देखो क्या है कि एक मूर्तिकार ने हमारी बेगम की मूर्ति बनाई, हमने उसको पैसे फेंके और उसकी आंखें निकाल ली। हमारी जो 12वीं बीवी है ना उसके बच्चे उसे गोटियां खेलते हैं। देखिए मोहतरमा, हाथ तो हम काटेंगे, हमारा शौक भी है और हमें बड़ा मजा भी आता है, तो पकड़े इसको। शुक्रिया। हमने कोई आपकी बेगम की तस्वीर नहीं बनाई, वो तो इन्होंने बनाई है। आई लाइक इट। आप हाथ कटने के डर से झूठ बोल रहे हैं तिवारी जी, आपके हम हाथ काटेंगे? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हमने आपकी बेगम की तस्वीर नहीं बनाई, और भाभी जी माफ कीजिएगा, हमने आपकी भी तस्वीर नहीं बनाई। अरे यार, आप बोलते काहे नहीं है? हाँ, ये नवाब साहब ये सच कह रहे हैं, वो दोनों तस्वीरें मैंने ही बनाई। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी। अनु, बिल्कुल भी माफ मत करना इस घटिया आदमी को, बिल्कुल भी नहीं। विपो, तुम हो? Yeah. इतनी देर से सोच रही हूँ, दाढ़ी नोच रहा हूँ तुम्हारी। मरबुती जी, वैसे आप जज रहे हैं नवाब के रूप में। भाभी जी, you like me? इस कपड़े में? How about a date? Never mind. भभूति जी, आप? जी, मैं। और आपका जो कलाकार है ना, इसको एक्सपोज करने का ये तरीका था मेरे पास, समझे आप? ये जो आपका गेटअप है नवाब का, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर इस गेटअप में मैं एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाऊं, तो क्या आप अपनी इस चमकती शानदार तलवार से मेरे दोनों हाथ काट देंगे? बेशक। आई लाइक इट। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? खर तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहां लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ, वो उसका
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।